Hey guys, it's Kiran and welcome to my channel. My channel consists of painting tutorials, DIYs, art vlogs and anything art related. Guys, आज से लेकर अगले 7 to 8 days तक की videos बहुत ज़्यादा exciting होने वाली है. ऐसा क्या है आज से 7 to 8 days बाद तक? तो गाइज मैं लेकर आई हूँ मार्वल्स पेंटिंग सीरीज, जिसमें हम मार्वल्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी हम पेंटिंग बनाएंगे, लेकिन बाकी सब पेंटिंग के कंपैरिजन में ये वीडियो थोड़ी अलग होगी. कैन यू गेस कि यहाँ पर ऐसा क्या अलग होगा? तो इस पेंटिंग सीरीज में आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी एक्सपेंसिव कलर. जो भी कलर्स होंगे वो मार्केट में दुनिया के सबसे सस्ते कलर्स होंगे जो कि मैं इस सीरीज में यूज करने वाली हूँ. तो आज हम बनाएंगे आयरन मैन की पेंटिंग, जिसमें मैं ये वैक्स क्रियॉन्स यूज करने वाली हूँ, जो कि मुझे सिर्फ 25 रुपीज़ के पड़े हैं. इनका एक छोटा पैक भी था लेकिन मैंने बड़ा वाला पैक ले लिया. इन छोटे छोटे कलर्स, नन्हे मुन्ने कलर्स को मैंने शायद जब मैं छोटी सी थी तभी मैंने यूज़ किया होगा, तो वापस याद ही ताज़ा करने का समय आ गया है. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, लाइक मैं इनसे कुछ अच्छा बना भी पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी. लेकिन लेट्स ट्राई गाइस, दिस इज़ चैलेंज फॉर मी. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट अवर पेंटिंग. So I'm starting with the outline of Iron Man. कलरिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये कैमिल के वैक्स क्रियॉन्स, जिनको मैं फर्स्ट टाइम ऐसी पेंटिंग करते हुए यूज कर रही हूँ. जो भी हाईलाइट वाले एरियाज हैं पहले मैंने नीडेड इरेजर से थोड़ा सा इरेज कर लिया, और जो भी हाईलाइट वाले एरियाज है पहले मैं उन्हें लाइट कलर्स कर रही हूँ. रिफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग पहले जो भी लाइटर एरियाज है पहले मैंने वो बनाए हैं, देन उसके ऊपर लेयर बाय लेयर मैं डार्कर शेड्स उस पर ऐड कर रही हूँ. ध्यान रखिए कि लेयर बाय लेयर ही कलर करें, क्योंकि अगर आप एक साथ उनको हार्डली चलाएं तो भी डिफ़िकल्ट फॉर यू. रेड वाले एरिया के लिए मैंने ऑरेंज, मरून, ब्राउन, जो भी रेड के जितने भी शेड्स होते हैं, डार्कर के लिए ब्राउन और ब्लैक मैंने ये यूज़ किए हैं. जो भी डार्क शेडो वाला एरिया है वहाँ पर मैं पहले ब्लैक कर रही हूँ, देन उसके ऊपर लाइटर कलर ऐड कर रही हूँ, तो उसे वो काफ़ी डार्क दिखेगा. गाइस प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड टेल मी दैट कि ये जो रिज़ल्ट फाइनली जो हम उसको भी सोच भी नहीं सकते वैक्स क्रियॉन से बन सकता है, क्या मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर ये पेंटिंग खड़ी उतरेगी या नहीं उतरेगी? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. यहाँ पर मैंने थोड़ी अलग टेक्निक यूज़ करी कलर करने की. पहले मैंने पूरा लाइटर शेड दे दिया और जो जो एरिया हाइलाइटेड वाले थे उनको मैंने वाइट छोड़ दिया, और फिर धीरे धीरे मैं उनके ऊपर लेयर बाय लेयर सारे डार्कर शेड्स ऐड करती जा रही हूँ. अच्छा चलो मुझे ये बता दो, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, आप में से किसको आयरन मैन पसंद है और आप में से कौन कौन मार्वल्स का फ़ैन है? यार मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है.
Those who are still watching this video, जो अभी तक मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज डू सपोर्ट गाइज बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड आपको तो पता चल ही गया होगा कि अमेजिंग रिजल्ट मेरी पेंटिंग का जो मुझे मिला है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिजल्ट होगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ। मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिए हैं, आप इसे ट्राई करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।